अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँ तो फिर वो जो है ना रह जाती है। और अभी मैंने पहले बालों में ऑयलिंग की है और इन्हें मैंने कवर कर दिया है स्कार्फ के साथ। और सबसे पहले मैं ये बाल धोऊँगी। मैं तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा या फिर कभी कभी तो महीने में एक दफ़ा जो है इन बालों को तेल ज़रूर लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा आजकल ना, आजकल नहीं तकरीबन कुछ महीनों से मेरे बाल ऑयली हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने ऑयल लगाना छोड़ दिया है। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा ऑयल लगाती थी। तो मैं ये वॉश कर लूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि आज पूरा दिन हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। और अभी मैं लेके आई हूँ बच्चों के रूम के लिए कारपेट। मैं खोल के देखती हूँ कि ये कैसा लगता है इनके रूम में। आई होप सो अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा डार्क पिंक में नहीं लेना चाहती थी, वरना वो ज़्यादा ना आँखों को चुभता है, लेकिन स्टिल इसमें थोड़ा पिंक शेड है। लेकिन अगर कैमरे में देखा जाए तो इसे थोड़ा पर्पल टाइप शेप नज़र आ रहा है, लेकिन सिर्फ आँखों से देखा जाए तो पिंक, लाइट पिंक। अभी मैं इसे खोलती हूँ और चेक करते हैं ये कैसा आता है। होप सो अच्छा लगे। टेप भी मैंने उतारनी है इसकी। नो, ये इसमें से कैसे निकलेगा? प्रिंट इसका काफ़ी अच्छा है, प्यारा सा। अभी आई थिंक इसकी टेप उतार के इसकी सफाई करके तो फिर मैं बैठ के साथ लगा के देखती हूँ कि कैसा लगता है। तो कुछ ऐसी लुक इसकी आ रही है, आई थिंक प्यारा लगेगा। थोड़ा सा शॉर्ट है मेरे ख्याल से, अगर उस कोने तक और इस कोने तक होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी प्यारा है। ये बेड की सेटिंग हमने चेंज करनी है। बेड को हमने ना अभी ऐसे पड़ी हुई है, इस तरह से करनी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आप देख रहे हो, हम सोचोगे ये क्या लगा हुआ है। ये असल में यहाँ पे जोया सोती है, तो मुझे डर होता है कि वो रात को गिर ना जाए, तो इसलिए जो है ये मैंने इसे साथ लगाया हुआ है। अभी मैं इस पर चल रही हूँ, फील करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा है, बहुत थिक नहीं लेना चाहती थी। अक्सर बच्चे कोई चीज़ गिरा देते हैं ना तो वो चिपक जाती है। और अभी इनकी रूम की मैंने सेटिंग करनी है, उसके बाद मैं आपको ना बच्चों के रूम का टूर कराऊँगी। बेड अभी ऐसे पड़ी हुई है, जब हम बेड मूव करेंगे तो फिर ये जो साइन हमने लगाया था इनके नामों वाला, वो सामने आएगा ना, फिर ज़्यादा प्यारा लगेगा। और यहाँ पे आयशा ने अपनी पेंटिंग ड्राइंग करके लगाई हुई है। टांगे इतनी पतली पतली सी हैं और पेट इतना मोटा लगाया हुआ है उसने। ब्लेस हर। और ये अभी हम धनिया और पुदीना ताज़ा लेके आए, और ये मेरे पास अगला पड़ा था, जो पहले पड़ा था वो यूज़ करूँगी। और अच्छा, मैं वीडियो बना रही हूँ, चुप करो ना। अच्छा, और ये जो अभी मैं लेके आई हूँ ना, ये मैं इसे कंटेनर में डाल दूँगी, उसी कंटेनर को। उससे मैंने धोया नहीं है, सिर्फ मैंने वाइप कर लिया, उसके अंदर ये धनिया डालूँगी। और ऐसे डालने से ना, पता नहीं मैंने किसी की वीडियो में देखा था, और तकरीबन 3 हफ्ते तक मेरा धनिया जो है बिल्कुल ताज़ा रहता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी अभी तोड़ा है हमने। तो धनिया सारा इसमें फिट करूँगी, ये नहीं, प्लास्टिक नहीं डालना। एक हाथ से डाल रही हूँ, ठीक से जा नहीं रहा, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा अंदर कर दूँगी। और ये अंडा जो पहले मेरे पास पड़ा था, इससे ये थोड़ा सा ना अभी वेट हो गया, मैं इसे ड्राई कर लेती हूँ। और ये अंडा इसके अंदर यूँ डाल के इसको ऊपर से बंद कर देंगे। 3 हफ्ते तक ये बिल्कुल ऐसे ही ताज़ा ताज़ा रहेगा। ये जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसे अब 3 हफ्ते हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं आप इसमें थोड़े थोड़े से ये मरने के पास पहुँच चुके हैं। और अभी मैं इसकी चटनी बना लूँगी। ये मैंने इसे बंद कर दिया, लेकिन किसी भी अच्छा, ये मेरी फ्रेंड का जार है, जो मेरी वीडियो देख रही होगी उस वक्त कहेगी इसने मुझे मेरा डब्बा वापस नहीं किया। तो अभी मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ।
और अब ये 3 हफ्ते तक हमारा बिल्कुल ताज़ा रहेगा। और इसकी बस चटनी बना लेते हैं, और जो इसमें से भी अच्छे वाला बचेगा ना, और ये जो मिंट बचेगा, इन दोनों को भी मैं ऐसे ही कंटेनर में डाल के तो उसके अंदर एक अंडा रख दूँगी। मिंट हो या कोरियन, दोनों पे ये ट्रिक काम करती है मेरे ख्याल से। ये मैंने देखी थी सुंदस की वीडियो में, अब इस बात को साल हो चुका है और अभी तक मैं ये काम करती हूँ। बहुत 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 अच्छी ट्रिक उन्होंने दी थी, बहुत काम वाली है। अच्छा, आज हम बारबेक्यू करेंगे और यहाँ पे हमारे मास्टर शेफ़ चिकन और मीट को मसाला लगाने लगे। अच्छा, आपने क्या डाला है अभी? पहले डाला है आपने कुकिंग ऑयल, ओलिव ऑयल। बंद कर दूंगी मैं, बस आप साइड पे रख दो, देखना गिर ना जाए। और चम्मच ली नहीं आपने? अंदाजा हो जाता है। लेमन जूस, ये ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालो, इसका खट्टा खट्टा सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे मैं रोज़ा आगे के नीचे स्कोरी हो जाती हूँ। और आप इसमें डालेंगे विनेगर, बहुत नहीं डालो, विनेगर ज़्यादा डालते हैं। लेमन जूस भी हमने डाला है ना। अच्छा, चम्मच ला दूँ आपको? अच्छा, ये चली जो चम्मच है वैसे तो बच्चों के खाने वाली है, मैंने अपना हिसाब लगाया है मेजरमेंट के लिए, इतनी अच्छी है ना, क्या बताऊँ। डालें आप, बड़ी चम्मच है ये। फर्स्ट टाइम हम ये वाला मसाला इस्तेमाल करने लगे, पता नहीं कैसा होगा। है कौन सा, दिखाओ। ठीक है, प्रीमियम एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करनी नमकीन मैंने। स्पाइसी लग रहा है। अब क्या डालना है? और अब हम क्या रहमतुल्ला, अब हम इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला। यहाँ भी ऐसे लगता है जैसे कुकिंग वीडियो बन रही है। आई थिंक मसाले के अंदर है, मुझे भी ऐसे फील हो रहा है गले में कुछ नहीं, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं डाले ना। यह फिर भी वो सेम चम्मच नहीं इस्तेमाल करनी योगर्ट और उसमें, ये साफ वाली इस्तेमाल करो। ये पहले डालते हैं। क्या करते हैं आप? ये देखिए, कुकिंग हो रही है और ये दही नीचे आके पड़ा है। मिक्स करने के लिए बड़ी चम्मच ले लें, वो इधर नीचे रखते हैं, मैं धो दूंगी। और ये विंग्स को मसाला लग चुका है, और यहाँ पे ये मैंने मिंट और कोरिएंडर रख दिया है जिसकी चटनी बनानी है। और अब यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है, क्या किस चीज़ का तैयार हो रहा है? रिब्स का। रिब्स, हाँ जी, दो की रखती हैं, तकरीबन सेम मसाला है, लेकिन रिब्स के लिए हम ना यूज़ करें नहीं टिक्का, टिक्का तो ये मतलब ठहरे में अभी चेक कर लेती हूँ पहले। हाँ, ये बारबेक्यू मसाला यही इस्तेमाल करेंगे, और कुछ इसमें हम घर के मसाले डालेंगे। अरे, इस वाले में सॉल्ट डालना, इसमें सॉल्ट थोड़ा कम होता है। नो 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 नो, ये नहीं डालना ना। ये मास्टर शेफ पता नहीं क्या बना रहे हैं आज। तो ये मैंने विंग्स को और
हमारी जो रिब्स हैं इन्हें मैंने मैरिनेट करके 5 घंटों के लिए छोड़ दिया था, और अब मैं फॉइल लगा के इसको ओवन में रख दूँगी तकरीबन 1/2 आवर के लिए। उसके बाद हम इसे ग्रिल करेंगे, वरना ग्रिल करने से वो बाहर से कुक हो जाता है, अंदर से थोड़ा उसका ना कच्चापन रह जाता है, तो इसलिए पहले हम इसे ओवन फुल करके 1/2 आवर के लिए कुक करेंगे और उसके बाद इसे ग्रिल कर लेंगे। जी तो यहाँ भी हमारी चटनी बन गई है। इसमें से मैं जो हमने अभी खानी है वो मिक्स कर लूँगी इस छोटे डब्बे के अंदर, बाकी जो है वो मैं फ्रीज़र में रख लूँगी बाद में फ्री खाने के लिए। उसके मैं क्यूब ऐसे काट लूँगी ना, तो फिर जब जितने भी चाहिए वो उतने हम निकाल के डिफ्रोस्ट करके उसके अंदर हम दही मिक्स कर लेंगे, और जो अभी हमने खानी है उसके अंदर मैं दही मिक्स कर लेती हूँ। और अभी मैं साथ ही यहाँ पे चावल बना रही हूँ, प्याज में ब्राउन कर रही हूँ, कुछ लगता है कुछ ज़्यादा ही ब्राउन होता जा रहा है, और आलू काटनी है और इसके अंदर मैं चने डालूँगी और ये टमाटर वगैरह सारा कुछ मैंने काट के रख दिया ताकि मैं जल्दी से चावल बनाऊँ, उसके बाद हम बारबेक्यू शुरू करेंगे। और ये जो मसाला था इसमें पानी डाल दिया था, इससे उबाल आ गया, अब मैं इसके अंदर रन ये चावल डाल दूँगी और फिर हम इसे मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने फ्रूट धो के रखा है जो भी काटना है इफ्तारी के लिए, खजूरें हैं, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स और मेलन हैं यहाँ पे हमारे पास, और मैं सोच रही हूँ कि साथ एप्पल काट लेती हूँ। तो ये हम जल्दी से रेडी करते हैं इसकी प्लेट। ये धो दिया है तो इनको ऐसे ही रख दूँगी, सिर्फ स्ट्रॉबेरीज की जो है एंड्स उन्हें काट दूँगी। और ये हमारी आज की फ्रूट प्लेट रेडी है, लगता है आज कुछ ज़्यादा ही काटती है फ्रूट। देर हो रही थी तो जल्दी जल्दी मैं सारा कुछ बनाया, और मैं जो बारबेक्यू कर रहे थे उसको फिल्म करना ही भूल गई हूँ। तो यहाँ पे हमारा चिकन ये आप देख सकते हैं ये रेडी है, और यहाँ पे जो रिब्स थी वो भी रेडी हैं, और इसके अलावा ये जो वेजीज थी ये भी रेडी है, और बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे हैं। जो चावल मैंने बनाती दिए थे वो भी रेडी हैं खाने के लिए। अभी हमने बर्गर्स रखे हुए हैं वो बन जाएं तो उसके बाद हम खाते हैं। रोज़ा ऑलरेडी खुल चुका है हमारा, इतनी ज़्यादा देर हो गई आज हमें। जोया डू लाइक है? या आयशा डू लाइक था? गुड, जल्दी से फिनिश करो फिर बैठ जाओ ओके। और यहाँ मैं आपको जल्दी से चावल भी दिखा देती हूँ, गरम गरम ही मैंने कवर करके रखा है ताकि ठंडे नहीं हो जाए जब तक हमारे बर्गर्स बनते। अच्छा जी ये है मेरी प्लेट, बच्चों को मैं सुलाने चली गई थी, उन्हें सुला लिया है, और उसके बाद अब मैं अपना खाना खाने लगी हूँ, बाकी सब ने खा लिया है। तो ये मेरी प्लेट आपको नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा फुल है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। आई एम श्योर कि सारा मुझसे ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि पेट भर जाता है लेकिन आँखें नहीं भरती आपकी।
तो इसके साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।